रिवॉल्विंग ब्रांच क्या होती है? आज के वीडियो टॉपिक रहेगा रिवॉल्विंग ब्रांच। आज हम सीखेंगे रिवॉल्विंग ब्रांच के पार्ट्स के बारे में, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसके बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद, मेरा नाम विजय दहिया है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टैकी गुरुकुल के अंदर। इस चैनल पर हम फायर सेफ्टी का कम्प्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऑनलाइन ये कोर्स कहीं पर अवेलेबल है ही नहीं और इतना टाइम सबके पास नहीं होता कि वो जाके 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए फायर सेफ्टी का कोर्स ज्वाइन किए करें और अपना ड्यूटी छोड़ के फायर सेफ्टी सीखने का प्रयास करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हम उसमें कंप्लीट पैकेज लेके आ रहे हैं, उसमें आपको हर टर्म्स फायर की मिलेगी, लेकिन जो हमारे सिविलियन, जो हमारे अदर जो प्रोफाइल में हैं, उनके लिए भी अगर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आग लगने पर वो ऐसे घबरा जाते हैं, और जबकि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो देख के वो सीख सकते हैं, ताकि वो आग लगने पर ऐसे आग बुझा सकें, इतनी आसानी से आग बुझा सकें। हमारा टारगेट यही। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और मेरे हाथ में भी एक रिवॉल्विंग ब्रांच है। रिवॉल्विंग ब्रांच का मतलब कहता है रिवॉल्व करना एक जगह पर। तो ये देखिए, जो ये ब्रांच है ये अपनी जगह पर मूव कर रही है। ये कैसे काम करती है, कहाँ पे इसका यूज होता है, इसके बारे में देखेंगे। पहले इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। ये आप देख पा रही हैं, एक होलो जेट है, इसके अंदर वो पाइप है, ब्रांच पाइप है। ये इसकी 63 mm की इंस्टेंटेनियस कपलिंग है। इसके बाद इसमें जो पाइप है उसके ऊपर ये इसका नट लगा रखा है ताकि ये निकले ना, और इसके अंदर ये बॉल बैरिंग के जो बॉल्स हैं वो हैं जिस पर ये घूम रही है। अब ये काम कैसे करता है, इसको लगाएंगे हम होज की फीमेल कपलिंग के पास, और ये जो हमारी ब्रांच इसमें छेद हैं ये इसमें क्रॉस्ड सेक्शन में, इसमें हर डायरेक्शन में पानी फेंकेगा। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम बेसमेंट्स वगैरह की फायर में, जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होता तो ऊपर से उसको ब्रेक करके वहाँ से इसमें यूज करते हैं। इसके अलावा शिप होल्ड्स वगैरह में जो इसका यूज होता है, इसमें जो जब इसमें हम पानी डालेंगे तो ये पानी जो हमारे जो छेद दिख रहे हैं यहाँ से बाहर आएगा। मैं इसके बारे में आपको सैंपल वीडियो दिखाऊंगा अभी। तो जब ये पानी इससे बाहर आएगा तो जेट रिएक्शन के कारण वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। तो जैसे ही वो पानी स्टार्ट होगा इसमें तो ग्रेजुअली इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ऐसे जो पानी का प्रेशर उससे ही अपने आप घूमती जाएगी और हर चारों दिशाओं में ये पानी फेंकना शुरू कर देगा और वहाँ पर फायर फाइटिंग में हमारी हेल्प करेगी। जब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रिवॉल्विंग ब्रांच प्रैक्टिकली ऐसे काम करती है, तो जैसे इसमें पानी शुरू हुआ ये रिवॉल्व होना शुरू कर दे और चारों दिशाओं में पानी फेंकना शुरू कर दे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर जरूर दूंगा। और अगर आप किसी और स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट्स करके बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आपके लिए जरूर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।